हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम का इंतजार आज काइंड ऑफ खत्म हो गया। आरटीआर 200 इज हियर। अब इस बाइक को मैं अपने चैनल पे यहाँ अपने लिए बेसिकली ट्रायल चलाने के लिए इतना बेताब क्यों था। आरटीआर 180 का ओनर हूँ मैं, आपको पता ही होगा पिछले 10 साल से। एंड इसमें गाइस टीवीएस ने बहुत काम किया है, एंड स्पेशली दिस इज द राइडिंग मोड्स 1 BS6 2021। सो फुल्ली लोडेड पर्टिकुलर बाइक है, एंड स्पेशली इन द ब्लू कलर इट इज लुकिंग स्टूपेंडस। सो गाइस, आज के पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन एंड ओवरव्यू दूंगा, थोड़ा सा राइड भी करेंगे। मैं हेलमेट भी लाया हूँ, उस पर एक्शन कैम भी लगा हुआ है। सो मैं उन रिव्यूअर्स में से नहीं हूँ कि 15 मिनट बाइक देखी या गाड़ी देखी एंड उसका रिव्यू कर दिया। ना, मेरे से ऐसा नहीं होता। एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोज गाइस आपको इसके मिलेंगे रिव्यू से पहले, क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह से चला के देखना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है, फील करना चाहता हूँ यार। मतलब एक होता है ना, एक अच्छी तरह से फील होगा तभी इसका मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा ये चीज़ क्या है। सो अभी एक्चुअली मेरी एक राइड भी बहुत जल्दी होने वाली है, वो अराउंड 130-140 किलोमीटर्स की रहेगी। इसी पर्टिकुलर बाइक पे करूंगा, हो सके उसमें थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हो, देखते हैं क्या होता है उस दिन। सो आज एक काम करते हैं, पहले अभी इसके मैं आपको सारे फीचर्स प्लस लुक्स एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको बताता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी फर्स्ट राइड पर चलते हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले गाइस बात करते हैं लुक्स की। मैन, दिस लुक्स शार्प, रियली रियली शार्प। एंड आरटीआर 180 से ये थोड़ी बड़ी भी लगती है एंड उससे थोड़ी सी भारी भी है। वो आई थिंक गाइस 120 kg समथिंग वेट की है एंड ये है गाइस 152। एंड मैट ब्लू कलर की फिनिशिंग देखो, क्या फिनिशिंग है। एंड ये एक्चुअली हमारे लुसिफुलिस राइडर 31 की है, आप इन इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा इसको वर्जन 2 की जगह वर्जन 2.0.1 बना रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह पे उन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। एंड दिस इज द 4 million सेलिब्रेशन टीवीएस रेसिंग बाइक, तो दैट्स प्रीटी गुड। सो फीचर्स की गाइस बात करी जाए, इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स के अंदर मिलते हैं मोड, राइडिंग मोड, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कौन से हैं। एडजस्टेबल लीवर्स एंड कुछ मॉडिफिकेशन है, स्टॉक मिरर्स नहीं है इस पर्टिकुलर बाइक पे, इट गॉट दीज बार एंड मिरर्स। एक्चुअली सही बात बताऊँ, लुक्स बहुत ज़्यादा एनहांस हो रही है इन पर्टिकुलर बार एंड मिरर्स से, क्या कहते हो आप, हाँ बताओ। एंड ये एक्चुअली मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा कोई एक्शन कैमरा माउंट करने के लिए यहाँ पे, एंड ये स्क्रूड है तो ये कहीं नहीं जाने वाला, दैट्स प्रीटी गुड। बस फिलिस राइडर सा, अब आपको मीटर दिखाता हूँ बाकी चीज़ों को दिखाने से पहले। अब मीटर में गाइस एक अच्छी बात है, चेक इट करो, 3-2-1 गियर अप देन द फ्लैग एंड फिर राइडर का नाम आता है विच इज़ फैंटास्टिक। एंड गियर पोजिशन इंडिकेटर, फ्यूल टाइम, मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पोर्ट, राइट, स्पोर्ट। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा अभी शायद इंजन ऑफ है, तो हाँ हो गया अभी भी। अर्बन मोड एंड देयर इज अ, सॉरी पहले अर्बन मोड, सॉरी रेन मोड था एंड अभी अर्बन मोड। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है यार इस पर्टिकुलर फील्ड में, हालत तो अभी से टाइट हो गई है। तो अब टायर्स की अगर बात करें तो इसमें पीछे हमें 130 सेक्शन का रेडियल टायर मिलता है जो कि टीवीएस का ही है, टीवीएस का प्रो टॉर्क सीरीज का टायर, विच इज नाइस, रोड पर ठीक है। एंड आगे एक सिंपल टायर है रेमोरा सीरीज का आई थिंक, येप। एंड दिस इज द 1990। बाकी इसमें ड्यूल चैनल ABS हमें देखने को मिल जाता है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ गाइस, सबसे बढ़िया चीज़ एग्जॉस्ट नोट इज जस्ट फैंटास्टिक। अभी आपको एग्जॉस्ट नोट भी मैं सुनाऊंगा। एंड LED ट्रीटमेंट है गाइस पर्टिकुलर बाइक में चारों तरफ। इंडिकेटर्स इसमें स्टॉक नहीं है, इंडिकेटर्स लगवाए हैं अलग से, सो ये इंडिकेटर्स चेंज करा सकते हो। बाकी LED लाइटिंग एवरीवे, DRLs, लो बीम, हाई बीम। एंड हाई बीम इसका मैं यार दिखाऊंगा आपको अंधेरे में रात के टाइम कोई अलग से ब्लॉग बना के। दिस इंजन इज 21 PS 200 cc एंड ऑयल कूल्ड है, दिस इज द ऑयल कूलर, रेडिएटर नहीं आता इसके अंदर एंड मेरे हिसाब से नीड भी नहीं है। एंड पीछे भी एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है विच इज़ प्रिटी प्रिटी कूल। इसके अंदर फ्रंट सस्पेंशन भी हमें प्री रोड के लिए एडजस्टमेंट मिलता है, आप यहाँ से कॉइन के थ्रू से हार्ड या सॉफ्ट सेटिंग पर डाल सकते हो, विच इज़ फैंटास्टिक। एंड इसकी टेल लाइट भी देखो बड़ी क्यूट सी है एंड काफ़ी पावरफुल है। सो अभी ये इग्निशन ऑन है तो इसकी लो बीम परमानेंटली ऑन रहती है एंड एज वेल एज द DRLs। लुक्स के मामले में यू नो अल्टीमेट है। एंड ब्रेक एंड क्लच लीवर आर ऑल्सो एडजस्टेबल, मतलब फीचर्स की कोई कमी नहीं है इस पर्टिकुलर बाइक पे, फीचर्स भर भर के हैं। सो जरा एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाने का यू नो टाइम आ चुका है, लेट्स गो। एंड मेन चीज़ में बताना भूल गया, लेट मी न्यूट्रल इट फर्स्ट। गियर पोजीशन इंडिकेटर के यहाँ पे बहुत फायदा है, देयर वी गो न्यूट्रल। एंड सबसे ऑसमस्ट चीज स्टार्टर, जैसे हमने ये किल स्विच ऑन कर दिया। एंड अब क्या है इसका, नॉर्मल बाइक्स में हमें दबा के रखना पड़ता है बटन, इस बाइक में ऐसा सीन ही नहीं है। चेक दिस आउट, आई शो यू वंस अगेन, है ना सुपर डुपर टर्बो ऑसम। सो माइक को मैं एग्जॉस्ट की साइड करता हूँ, थोड़ा सा थ्रॉटल देके दिखाता हूँ आपको इसका एग्जॉस्ट नोट।
ओके गाइस, ये सब तो ओवरव्यू था, लुक्स थी, फीचर्स थे, सारा कुछ होगा। अब एक बार छोटी सी इसकी राइड करते हैं अर्बन मोड पे, क्योंकि काइंड ऑफ ठीक ठाक सी राइड आज मेरी पहली बार होने वाली है। बस यहीं तक लेके आया उस पर्टिकुलर बाइक को मैं। तो हेलमेट कैम ऑन होने वाला है, मोटर ब्लॉगिंग सेटअप ऑन होने वाला है। सो लेट्स गो गाइस, लेट्स गो फॉर अ राइड, फॉर अ स्मॉल राइड। सबसे ऑसम चीज मैं आपको दिखाई चुका हूँ, स्टार्टर इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। बहुत ही ऑसम है यार। तो चलो, करेंटली बाइक स्पोर्ट मोड पे, आई जस्ट शिफ्टेड ऑन अर्बन मोड न्यूट्रल। ओके, यहाँ से बस बाहर निकलते हैं। सो इस पर्टिकुलर ग्राउंड में चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है इंटायर को। चलो यहाँ से चलते हैं मेन वाली रोड पे, थोड़ा सा पावर देखते हैं थोड़ी अर्बन मोड पे। प्रिटी सिमिलर टू दी आरटीआर 180 गाइस, आरटीआर 180 जैसा ही फील हो रहा है मुझे इस पे। ये है ना अंकल जी भी कैसे चला रहे हैं, एबीएस डज हेल्प, काफी पावरफुल मैंने ब्रेक लगाई थी अभी। ओके यार, सही बात बताऊं, मेरी हाइट है 6 feet 4 inches एंड इस पर्टिकुलर बाइक पे मेरा जो राइडिंग पोस्चर आ रहा है, राइडिंग ट्रायंगल बन रहा है, वो बिल्कुल सीधा है, आई एम अपराइट बिल्कुल। ये मेरी हाइट की वजह से ही हुआ, क्योंकि आरटीआर सीरीज में सब जितनी भी बाइक्स हैं उन सबका जो हैंडल है ना, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। हैंडलिंग बहुत सही है यार। ये देखो, इट्स वेरी इजी टू डू दीज थिंग्स इन इट। मतलब 60-70 तक तो अर्बन मोड पे भी आप आराम से जा सकते हो। मतलब अर्बन मोड पे फायदा यही रहेगा सिटी के अंदर कि माइलेज बहुत बढ़िया आएगी, एंड जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू द स्पोर्ट मोड बाय प्रेसिंग द बटन, कोई इशू नहीं है। प्रीटी कूल यार। अब मैं जानू के इन रोड के अंदर ही हूँ एंड देख रहा हूँ कि सिटी के अंदर इस पर्टिकुलर बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। तो यहाँ से जरा और अंदर चलते हैं, थोड़े खड्डे भी देख लेते हैं। अभी जो सस्पेंशन सेटिंग है गाइस, वो है हार्ड पे है, नॉट ऑन सॉफ्ट। मैं आपको फ्यूचर में एक वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ इसका, कि हाउ टू एडजस्ट द सस्पेंशन कुछ दिनों के अंदर। सबसे पहले कल तो शायद एक राइड होने वाली है, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा बड़ी जल्दी, बहुत ही मज़ा आएगा यार। क्या हैंडलिंग है, बेटर देन माय आरटीआर 180। मतलब मैं उसके साथ काफ़ी अच्छा कंपेयर कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर बाइक को। I'm having no issues riding this man, no issues whatsoever. This is an easy bike to ride. And कोई हाथों में कोई strain नहीं, कहीं पर भी कोई strain नहीं। ये हो सकता है मेरी height की वजह से हो, and hard suspension है definitely feel हो रहा है। हम soft पे डाल सकते हैं for the entire city use, and जब highway पे जाना हो we can always put it on hard or medium। तीनों option है basically देखा जाए हमारे पास। तो कहाँ जाना चाहता रॉन्ग वे, सीरियसली मैन, लोगों का कुछ हो नहीं सकता वैसे। ऑन भी ठीक ठाक है यार। मतलब बहुत यार मजा आ रहा है, क्या बताऊं, बहुत इजी है इस पर्टिकुलर बाइक को राइड करना। तो इससे ये फायदा रहेगा कि आप जरा सिटी विटी में घूम रहे हो, कहीं हाईवे पे गए, उसके बाद देखो घूम फिर के तो सिटी में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे इसको चलाना इज टोटली वेरी वेरी इजी। तो यहाँ से ज़रा लेते हैं यू टर्न एंड टेकिंग अ यू टर्न इज ऑल्सो प्रीटी नाइस इन दिस थिंग यार। अब मेरे ये नीज, इसमें हाइट देख रहे हो, ये नीज पे नहीं लगती। आई थिंक R15 का फर्स्ट जनरेशन मॉडल था ना, वो मेरे यहाँ घुटने पर लगता था। तो एक काम करते हैं, ज़रा स्पोर्ट मोड पर डालते हैं। स्पोर्ट मोड आ गया फर्स्ट गियर। There is a difference, guys. And मज़े की बात ये है, चाहे अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ एंड स्पीड काफ़ी नीचे आ चुकी है जैसा कि आप नोटिस ही कर रहे होंगे, एंड अगर मैं थोड़ा सा ओपन करूँगा ना, आवाज़ जो आती है यार अलग ही आती है, अलग ही। मिड रेंज ग्रंट इज जस्ट फैंटास्टिक। वाओ मैन, दिस इज जस्ट इम्प्रेसिव। वाओ वाओ वाओ, अभी तो गाइस ये फर्स्ट इम्प्रेशन ही चल रहे हैं। रिव्यू के लिए वेट जरूर करना।
सारी डिटेल आएगी। अभी तो वैसे देखो पहली बार कोई चीज़ चलाओ तो आपको अच्छी लगती है एंड जो भी उसकी खामियाँ होती है आप ओवर टाइम ही बता सकते हो, उसी टाइम नहीं बता सकते। मज़ा आ गया यार इस बाइक को राइड करके। सो दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैंने काफ़ी चीज़ें तो कवर करी हैं लेकिन अभी मैं आपको धीरे धीरे ओवर टाइम बताऊंगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो पूरी सीरीज़ देखना गाइस, अगर सीरीज़ कंप्लीट हो गई होगी तो आपको वीडियोज़ का लिंक नीचे ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज एक वीडियो होगा दो वीडियो होंगे तो उस हिसाब से लिस्ट होगी नीचे राइट, तो उस हिसाब से देखना। अभी एक बड़ा शार्प स्पीड ब्रेकर है, लेट्स सी हाउ इट गोज। नॉट बैड एट लो, वेरी लो स्पीड, स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लगेगा। एंड इसके अंदर गाइस GTTB है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है बट लेट्स सी, सेकंड गियर पे मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, लेट्स सी क्या करती है बाइक। वाओ अपने चल रही है गाइस 13-14 की स्पीड पे, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। ये सही है यार, थर्ड गियर पे डालता हूँ, आई एम ऑन थर्ड गियर एंड बाइक इज रनिंग ऑन 21 की स्पीड। वाओ 21, that's pretty pretty cool, right? So चलो guys, मिलते हैं in the next video. Bye bye, take care, see ya. Have lots and lots of fun.